संथाल विद्रोह का नाम दिया गया था। उस संथाल विद्रोह के जननायक को याद किया जाता है उस दिवस पे। हम दुमका के सिद्धो कानू चौक पर खड़े हैं, सामने जो सिद्धो कानू की प्रतिमा पे आज सुबह से माल्यार्पण किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जो एक संगठन है कोटा भारत सिद्धो कानू फूल बेसी संगठन, इसके द्वारा पदयात्रा निकाला जाता है जो प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है। आज इस बार भी 167वां फूल दिवस समारोह ये लोग मना रहे हैं। आज दुमका के पोखरा चौक पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला, SP अंबर लकड़ा, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, जिला परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जोयस प्रसाद समेत शहर के काफ़ी गणमान्य लोग उपस्थित हैं। और ये जो कार्यक्रम है अब समाप्ति की दौर पर है। यहाँ से थोड़ी ही देर में पदयात्रा निकलेगा। लगभग 105 किलोमीटर में यह पदयात्रा है जो दुमका के पोखरा चौक से निकल करके भोगनाथ जी के लिए जाएगा। और ये भोगनाथ जी 30 जुलाई को पहुँचेंगे और 30 जून को वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होता है। कार्यक्रम में लोग शरीक होते हैं और फिर सही सिद्धो कानू को याद करते हैं। इस मौके पर आप सुनिए क्या कहना है पूर्व मंत्री लुइस मरांडी का। लुइस मरांडी ने संबोधन में इस बात के लिए खुद को भी बधाई दी और अपने समाज को बधाई दी कि इस बार की जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वो एक आदिवासी समाज से हैं, झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी। और आपको हम यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसका दिखा रहे हैं, जो तैयारी चल रही है अब यहाँ से, ये जो तैयारी है भोगना जी के लिए अब रवाना होंगे ये लोग, ये उसी की तैयारी चल रही है। हम आपको बात कराएंगे। हमें एक एक पड़ाव में लोगों को जागरूक किया जाता है तो जागरूकता के माध्यम से हम अपने कमी को भी लोगों को दर्शाएंगे और उपलब्धि को भी लोगों को दर्शाएंगे। अभी गमालियर जी ने बहुत अच्छा से कहा, चौबे जी हम लोगों के बीच में जो जाति समाज का उपलब्धि खेल के माध्यम से हो वो आपके सामने रख रहे थे। मुझे भी लग रहा था लेकिन हमसे पहले इन्होंने कहा कि हमको ताली बजाने में भी शायद शर्म आ रहा था। तो जब हम अपने लोगों के लिए हम ताली नहीं बजा सकते तो फिर हम उनको आगे बढ़ाने में हम कैसे पुशअप करेंगे उनको। इसीलिए हम सबसे पहले तो अपने आप को ये हमें एहसास करना चाहिए कि हमारे ही एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारा समाज पिछड़ रहा है और जब हम आगे उन्हें नहीं बताएंगे तो फिर वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आज हमारा जो जिसको हम लोग कह रहे हैं हमारे महापुरुष आबूरे मयांक हुआ सिद्धो कानू चांद भैरव फूलोजन, जिन्होंने हम लोगों के लिए समाज के लिए लड़ा कि आने वाला जेनरेशन हर स्तर से वो आगे बढ़े, डेवलपमेंट के साथ उनकी भी भागीदारी हो, चाहे सामाजिक स्तर से हो, चाहे राजनीतिक स्तर से हो, चाहे शैक्षणिक स्तर से हो, चाहे आर्थिक स्तर से हो, हमारे लोग भी मजबूत हो। इसलिए उन्होंने ऐसा आंदोलन किया था, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़े हैं। मुझे खुशी है इस बात की आज वर्तमान समय में हम खुशी जाहिर करते हुए आप सभी को बधाई देते हैं। कि देश के प्रथम नागरिक के रूप में द्रौपदी मुर्मू जो पूर्व में झारखंड में राज्यपाल थे राष्ट्रपति के उम्मीदवार है और एनडीए ने उनको उम्मीदवार बनाया है और वो गर्व का विषय इसलिए है कि वो संथाल जनजाति से आती है। इसीलिए हमें गर्व करना भी सीखना चाहिए और उत्साह भरना भी सीखना चाहिए और दूसरे को सहयोग करना भी सीखना चाहिए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। तो आज चूंकि लंबा रास्ता है, हमारे उद्बोधन में छोटी बड़ी अगर गलतियां हुई है तो हम क्षमा चाहते हैं और सभी पदयात्री को अपने तरफ से बहुत शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं।
सर जो ये कार्यक्रम है अब क्या आगे का क्या है? आज हम लोग उसके बाद हम लोग नमन करते हुए यात्रा के दौरान बहुत सारी जानकारी हमें उपलब्ध है जो उनके लिए सोलह लोग ये लोग यहाँ से पैदल निकले हैं और ये जो सफर है ये चलता जाएगा, एक कारवा बन रहा है हर जगह, काफ़ी कुछ प्रखंड आएगा, गोपी के लोग आएंगे सभी जगह इस पद यात्रा में शामिल हो जाते हैं। पहुँचते पहुँचते ये संख्या सैकड़ों में बदल जाती है। लगातार लाइक के लिए दुमका से रूपम। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।